प्रयागराज में 15 जनवरी से 4 मार्च तक आयोजित होने वाले कुंभ में निर्बाध बिजली मुहैया कराना भी एक बड़ी चुनौती की तरह था। करीब 4000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले दुनिया के इस सबसे बड़े अस्थाई नगर में बिजली पहुंचाने के लिए करीब 65 अस्थाई विद्युत उपकेंद्र बनाए गए हैं। साथ ही पूरे कुंभ में 2 लाख से ज्यादा बिजली कनेक्शन दिए गए हैं। इस पूरे इलाके को 50,000 से ज्यादा LED लाइट से रोशन किया गया है। बिजली की आपूर्ति बाधित ना हो इसके लिए हर उपकेंद्र के लिए अलग अलग जनरेटर्स की भी व्यवस्था की गई है। इस पूरे सिस्टम को ऑटोमेटिक किया गया है। दिव्य कुंभ भव्य कुंभ कई मानों में बहुत ऐतिहासिक है। बिजली क्षेत्र में अपना यहाँ व्यवस्था सुदृढ़ हो इसके लिए हमने 300 करोड़ का यहाँ अपना इंफ्रा डेवलप किया है, जिसके माध्यम से 1200 किलोमीटर की लाइन हमने यहाँ बिछाई है। 50,000 से ज़्यादा LED यहाँ हमने लगाए हैं। 2,80,000 लोगों को हमने यहाँ मुफ्त में कनेक्शंस दिए हैं और 64 उपकेंद्र हमने यहाँ स्थापित किए हैं और हमने यहाँ 1 मिनट भी बिजली ना जाए इस तरह की व्यवस्था सुदृढ़ की है। इस कुंभ में मेला क्षेत्र के चप्पे चप्पे को रोशन करने का प्रयास किया गया है, जिससे यहाँ लोगों को किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। पूरा ये सिस्टम जो है ये ऑटोमेशन पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर कहीं पर भी बिजली गुल होती है तो तुरंत जो है जनरेटर काम करना शुरू कर देगा। इसके अलावा जो अखाड़े हैं वहाँ पर बैकअप के रूप में भी एक एक जनरेटर जो है एक्स्ट्रा वहाँ पर लगाए गए हैं। धर्म और अध्यात्म के लिए जाना जाने वाला ये कुंभ ऊर्जा के इस महासमागम के लिए भी जाना जाएगा। अश्विनी मिश्रा के साथ अजीत द्विवेदी, DD News, कुंभ प्रयागराज।